नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां नर्सेस अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि ये क्या मांगे हैं उनकी और क्यों वो लोग यहां दिल्ली के जंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जॉल्डिन। क्यों आए आप? एक्चुअली सबका पता होगा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, पूरी राज्यों में प्राइवेट हॉस्पिटल जो काम रहे सब सारी नर्सेस को सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। 200 का ऊपर बेडेड हॉस्पिटल है जो सेम गवर्नमेंट सेक्टर में कितना सैलरी मिल रहा है वो सेम सैलरी मिलना है। 100 से 200 का जो बीच में बेडेड हॉस्पिटल है उसमें 10% कम करके, जो गवर्नमेंट सेक्टर में कितना सैलरी मिल रहा है उसका 10% कम करके सैलरी मिलना चाहिए। 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर है ना 25% कम करके मिलना है। बाकी जो नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल ले लो उसमें 20,000 रुपये मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। यही था सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन 2016 जनवरी 29 तारीख को जो वेडिक्ट आया था। इसके बाद अभी सारी जो जगहों पे सारी राज्यों में ये फॉरवर्ड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये लागू कराने लिए करके। अभी तक केरला में लागू किया, इसके अलावा और कोई राज्यों में लागू नहीं किया। पिछले साल हम लोग सारी प्राइवेट हॉस्पिटल का नर्सेस इकट्ठा के हम लोग सीएम अरविंद केजरीवाल सबको मिलने के लिए गए थे, हसार का ऊपर नर्सेस जाके मिला। उसी टाइम दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया था हम लोग ये अभी इस मैटर सब जुडिस है, तो हम लोग अगर ये इसके बाद हम लोग लागू करेंगे करके हमको ये प्रॉमिस भी किया था। ये लास्ट जुलाई 22 को हाईकोर्ट में उसी टाइम जो केस चल रहा था, प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने केस लगाया था इधर, तो जुलाई 22 को इसका वेडिक्ट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। उसमें ये था ये लागू कराना है करके, अपेक्स कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का वेडिक्ट है, हाई कोर्ट का वेडिक्ट है, बट इसके बाद भी कोई स्टेप्स है ना दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ। अभी इतना दिन 3 महीने हो गया, 14 महीना स्टार्ट हो गया, बट अभी तो लागू नहीं करें, इसके वजह से हम लोग आज सत्याग्रह में शुरू कर दिया। कहाँ से यहाँ स्टूडेंट आए हुए या जो नर्सेस है ये कौन कौन सी जगह से, ओनली दिल्ली से या ऑल ओवर इंडिया से? हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, अभी पिछले कई सालों से दिल्ली में रहते, सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली जो रहने वाला नर्सेस है, हम लोग 30,000 से 40,000 तक नर्सेस है इधर दिल्ली प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब मान लो उसके एक नर्सेस का एक फैमिली में चार लोग भी है, तो मान लो 2-2.5 लाख का फैमिली मेम्बर्स है इसके, हमारा डिपेंड्स करके रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो हमको ये फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है नौकरियां ख़त्म कर रही है और दूसरी तरफ आप मांग कर रहे हैं सैलरी बढ़ाई जाए, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? एक्चुअली हम लोग जो दिल्ली सरकार बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं आजकल, ये माहौल सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगा रहे और DTC बस में यात्रा मुफ्त कर रहे, बिजली पानी मुफ्त कर रहे, फिर बाकी माहौल सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा स्ट्रीट लाइट लगा रहे। तो एक हमारा सवाल यही है, 90% फीमेल काम कर रहे हैं दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उनका जो सुरक्षा के लिए, उनका जो बेटरमेंट के लिए दिल्ली में क्यों को ये वाला ऑलरेडी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर भी आ गया, फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा सवाल है। ये तो जिस तरीके से सरकार, भारत सरकार के ऊपर जो कार्य का देखभाल किया जाए, तो GDP भी गिरा हुआ है भारत का, और प्राइवेटाइजेशन के वजह से अगर आप प्राइवेट में नौकरी नहीं करते तो दूसरे लोग खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, तो ऐसे माहौल में क्या आपकी सरकार मांगे मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर देखिए इसमें GDP गिर रहे वो इसके बाद हमारा ऊपर नहीं आएगा ना, तो एक्चुअली ये अपेक्स कोर्ट ने बताया था, ये हमारा नर्सेस का ये नहीं है, इन लोगों ने जगदीश प्रसाद कमेटी के अनुसार जो इतना जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे लोग ने इंक्वायरी करके ये कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है ना, तो हम ये इसके निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ये लागू कराना है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की इसमें लागू कराने के लिए भी रेडी है। फिर इसमें सिर्फ नर्सेस का जो केस आया, पता नहीं है सिर्फ नर्सेस कैटेगरी में जो आया है लागू कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, तो पता नहीं ये हमारा जो नर्सेस का सिर्फ नर्सेस का केस है ना सीन से हटा के रखा है, तो यही हमारा ये बहुत बड़ा सवाल जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये पूछना चाहिए, वाई यू पीपल आर नेगलेक्टिंग अस, दिल्ली नर्सेस को जो इतना नेगलेक्ट क्यों कर रहा है, यही है। अगर दिल्ली सरकार के पास बजट नहीं आएगा तो फिर वो लोग आपकी सैलरी कैसे बढ़ाएंगे? ये मामला तो भारत सरकार का या जो BJP की सरकार है उसका मामला है, नहीं इस पूरी इंडिया में ये लागू कराना है, तो जो आने वाला पार्लियामेंट सेशन में
हम लोग सारी नेशन से ना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देने के लिए जा रहे हैं उधर, सारी सबको ये बोलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का केस नहीं है, सारी जगह पे आने चाहिए। इसमें बहुत लोग है ना अलग अलग राज्यों से इधर आके काम कर रहे हैं ना, वो भी है इसमें। तो अगर हमको जो हमारा जो साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, अगर वहाँ सैलरी जो सेम सैलरी मिल रहा था, जो इधर आने का जरूरत भी नहीं है, फैमिली परिवार छोड़ के इधर आने का आके काम करने का जरूरत नहीं है। ये पूरी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरी राज्यों के लिए है। तो ये लागू कराना है, इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा हूँ अभी पार्लियामेंट सेशन जो आने वाले, ये पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारा नेक्स्ट डिमांड यही है पूरी राज्यों में। कितने दिनों का आंदोलन है? या एक्चुअली अभी हम लोग नवंबर 1 तारीख को ये स्टार्ट किया, नवंबर 14 तारीख हमारा रिले सत्याग्रह चलता है, अगर हमारा मांगे पूरी नहीं किया तो हम लोग हंगर स्ट्राइक में चला जाएगा अगले 14 दिन के लिए। उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग सेक्रेटरीट मार्च करेंगे, दिल्ली सीएम ऑफिस के मार्च करेंगे, अगर उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो पूरी दिल्ली के जो नेशनल प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करें सब लोग आएगा, सड़कों में आएगा, पूरा दिल्ली स्ट्राइक में जाएगा। यही धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर जिनको हाई प्रोफेशनल पैसा लगाकर बड़े पैमाने पर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, और वो लोग आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोग हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।